अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। हम सभी जानते हैं कि आज सबसे पिछड़े तबके के तौर पर मुस्लिम समाज मुस्लिम माशरे की तरफ देखा जाता है। अब इस पर भी सैकड़ों मरतबा बहस मुबावसे या तबसरे देखे गए। अक्सर वो बेशतर मरतबा एक ही आलाप हम सब आलापते रहते हैं कि मुस्लिम समाज में इल्म की कमी है, पढ़ाई की कमी है। खैर, आज जिस मौजू पर हम बात करना चाहते हैं इसी से जुड़ा मसला है। पिछले कई दिनों से उड़पी की सरकारी कॉलेज में 6 मुस्लिम लड़कियों को महज हिजाब न निकालने की वजह से इन्हें कॉलेज में दाखिल नहीं होने दिया, क्लासेस को बैठने नहीं दिया और इन्हें क्लासेस में गैर हाजिर यानी एबसेंट दिखाया गया। आज भी 6 लड़कियां क्लासेस के बाहर हैं। उड़पी सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि हिजाब के साथ कॉलेज में दाखिला नहीं दिया जाएगा, लिहाजा वालिदैन भी अपने बच्चों की हिमायत में हैं। महज मुस्लिम पहचान की बिना पर कॉलेजेस में क्लासेस को हाजिर होने न देना, क्या यह सही है? इस पर भी मुख्तलिफ राय पेश की जा रही है। जब हर एक को अपने मजहब के मुताबिक रहने खाने पीने की आजादी है तो सिर्फ मुस्लिम लड़कियों के साथ इस तरह का रवैया क्यों? ऐसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। अगर हिजाब से मुसलमान होने की पहचान जाहिर होती है तो दीगर मजाहिब की लड़कियां भी तो बिंदी चूड़ियां वगैरह पहनकर कॉलेजेस में नहीं आती क्या? ऐसा सवाल भी पूछा जा रहा है। मामला अब बैरूनी ममालिक तक पहुंच गया है। यहां तक कि कई नामवर लोगों ने भी ट्वीट के जरिए मुस्लिम लड़कियों को हिजाब के लिए क्लासेस में न हाजिर होने देना गलत है कहा। असल सवाल तो अब उठता है कि आखिर भारत के मुसलमानों का भारत की जिम्मेदार तंजीमें इदारे सियासी और दीनी रहनुमाओं की जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है क्या? महज माशरा अनपढ़ है या फिर इकरा बिस्म रब्बिक की आयत को बार बार दोहरा कर पढ़ाई की तरफ जाने की हिदायत करने से तमाम मामले हल हो जाएंगे क्या? महज इमोशनल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप के जरिए रुपये तो कमाए जाए या फिर सिर्फ बच्चों को तालीम के मैदान में छोड़ देने से तमाम जिम्मेदारियों से बरी हो जाते हैं क्या? कहाँ है वो एजुकेशनिस्ट महज तालीम पर ज्ञान बांटते रहते हैं? बच्चों की आज कॉलेज के कैंपसेस में क्या हालात है इस पर जरा बराबर भी एहसास ही नहीं है? जबकि पिछले 15 दिन से भी जायद 6 लड़कियों को कॉलेज से क्लासेस में बैठने नहीं दिया जा रहा। हिंदू तो तंजीमें 12 मुस्लिम लड़के या लड़कियों को कॉलेजेस के कैंपस में हिरासा करते रहते हैं। कई बार लड़कियां घरों में बोलने से भी डरती है। सिर्फ इकरा बिस्म रब्बिक की आयत को दोहरा कर अपने बच्चियों को कॉलेज तक भेजना नहीं बल्कि इनकी तहफ्फुज की जिम्मेदारी भी लेनी होगी जिसकी तरफ हमारी तवज्जो न के बराबर है। इज्जत पामाल होती है तो इसका भी कोई गम माशरे के जिम्मेदारों सियासी और दीनी रहनुमाओं को नहीं है। आखिर क्या बात है कि पिछले 15 दिन से ज्यादा अरसा लड़कियां क्लासेस के बाहर हैं? अब तक कोई बड़ा इकदाम मुसलमानों की जानिब से क्यों नहीं किया गया जो बात बात पर मुसलमानों को ही तालीम इल्म के मैदान में पीछे रहने का तंज करते रहते हैं? मुस्लिम माशरे को चाहे कि जब आप किसी तालीम मैदान में अपने बच्चों को भेज रहे हैं तो तमाम जिम्मेदारी भी उठाने का एहसास होना चाहिए। मसला यहीं पर है। हमने कभी कॉलेजेस के कैंपस का जायजा लिया ही नहीं। वहां क्या हो रहा है जाहिर है जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो फिर सिवाय अफसोस के हमारे पास कुछ नहीं रहता। दिगर फिरका परस्त तंजीमें तुम्हारी इज्जतों से खिलवाड़ करने की तमाम सभी लोगों को अंजाम दे चुके हैं और अगर कुछ वाकई इल्म को तालीम के साथ तरबियत के साथ हासिल करने वाली कुछ इन जैसे लड़कियां होती हैं तो माशरे को इसकी कोई फिक्र नहीं होती। ऐसे वक्त में माशरे की बड़ी तादाद में इन बच्चों की हिमायत में खड़ा होना चाहिए क्योंकि इनका हौसला टूटेगा तो कोई और आवाज उठाने से पहले ही आवाज दबा दी जाएगी क्योंकि माशरे का हाल ही ऐसा है कि हमें क्या करना है? क्या हमारे घर की बेटियां हैं? और इसी मुफाद परस्ती ने आज इंतहा की पस्ती में हमारे माशरे को डाल दिया है। किस कदर फिरका परस्तों का तसल्लुत तालीमी शोबे में भी देखा जा रहा है। आपको हर लिहाज से दबाने की कोशिश की जा रही है और मुस्लिम माशरा बेहिसी ज़हनी गुलामी और ऐश परस्ती का आदि होता जा रहा है। आने वाली मुसीबतों का इसको जर्रा बराबर भी एहसास नहीं है। जानवर की तरह जिंदगी जीने का आदि आज का मुसलमान हो चुका है। ना इसे अपने मुस्तकबिल की फिक्र है और ना इसे तहजीब तमद्दुन तहफ्फुज का कोई ख्याल है। लिहाजा उड़पी के सरकारी कॉलेज का ये हाल है कि मुस्लिम बच्चियों को हिजाब न उतारने की वजह से क्लासेस के बाहर सीढ़ियों पर बैठने की नौबत आई है। सवाल तो जरूर उठेंगे, कहाँ है दीनी रहनुमा जो हमेशा अपनी बात को इल्म से शुरू करते हैं? कहाँ है सियासी रहनुमा जो तालीम न होने की वजह से मुस्लिम माशरे की यह हालत बनाने की बात करते हैं? क्या उन फिरका परस्तों से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है? और अगर हिम्मत नहीं है तो फिर तालीम पर झूठे इजलास झूठे बयान कहना बंद करें। अपनी जिम्मेदारियों से हमें कब तक यूं ही भागते रहेंगे? कोई भी कौम की बेटियां बहनों से किसी तरह का बर्ताव करे और हम हैं क्या खामोश तमाशा ही नामर्दों की तरह देखते रहे? क्या संविधान ने आईने हिंद में हमें अपनी आवाज उठाने की इजाजत नहीं दी है? तो फिर यह खामोशी क्या कहती है? भले ही मामला उड़पी का है और सबसे अहम बात उन बेटियों को सलाम जिन्होंने ऐसे दौर में भी हिजाब की खातिर क्लासेस में न जाने का फैसला लिया।
चाहे तो ये भी हिजाब उतार कर जा सकती थी, लेकिन आज इनकी जरूरत ने इस बात को वाज़ह कर दिया है कि हमेशा जिक्र जरूरतमंदों का होता है। महज एजुकेशनिस्ट कहने से बात नहीं होती, बल्कि फिरका परस्त के जुल्म सितम का शिकार जो तलबा और तालिबात हो रहे हैं, इनका भी जिम्मा लेना होगा। इतना जरूर है कि लड़कियों ने तो जरूरतमंदी से मुकाबला करते हुए क्लासेस को बाहर बैठना पसंद तो किया, लेकिन आज भी अपने आप को बड़े कहलाने वाले खामोश ही हैं, और इनकी यही खामोशी दीनी और सियासी रहनुमाओं की तस्वीर को उजागर करती है, भले ही कुछ लोगों को यह बात नागवार ही क्यों ना गुजरे। अब कोरोना की तरफ आते हैं। आज फिर से स्कूलों को शुरू कर दिया गया। आज सबसे ज्यादा मतलब पूरे मुल्क में रियासत कर्नाटक दूसरे नंबर पर कोरोना मरीजों में पाए जाने की इत्तला हासिल हुई है। हमेशा की तरह हुकूमत उलझन में नजर आती है। अब कोरोना को लेकर क्या फैसला लिया जाए, इस पर भी करे क्या ना करे के हालात में दिखाई दे रही है। अब बच्चों को लेकर तालीमी महकमा ने कहा है कि अब डरने की जरूरत नहीं है और बच्चों को ओमिक्रॉन या कोरोना का खतरा न के बराबर है, लिहाजा इसके आगे स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा। बेंगलोर वार रूम की जानिब से भी यही कहा गया कि बच्चों को खतरा नहीं है, पर वही दूसरी ओर बेलगाम के सेहत अफसर शशिकांत मुन्याल ने कहा कि अब बच्चों को ज्यादा खतरा नजर आ रहा है। 20-30% बच्चों में पॉजिटिव पाए जाने की बात कही जा रही है। अब इसे क्या कहा जाए, जब बेलगाम तालीम महकमा कहता है कि किसी तरह इसके आगे स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा, वही बेलगाम के ही सेहत महकमा कहते हैं कि बच्चों में कोरोना पॉजिटिव बढ़ रहा है, आखिर कौन सही कह रहा है। लिहाजा एक तरह की उलझनों में आवाम को डालने की बात कही जा रही है। अब दिल्ली और महाराष्ट्र में पॉजिटिव मरीजों की बात कल तक ज्यादा थी, पर अब कम होने की बात कही जा रही है। और अब माहिरीन ने यह भी कहा है कि जनवरी फरवरी के दरमियान लाखों लोग पॉजिटिव होंगे। वही दूसरी ओर यह भी बात बड़े ही जोर से कहने की कोशिश की जा रही है कि ओमिक्रॉन ज्यादा खतरनाक नहीं है, बहुत माइल्ड वायरस है। अगर हर जगह पर दो दो बातें कहते हुए लोगों को आखिर क्या पैगाम देना चाहते हैं। रामदुर्ग में रूबेला टीका लगाने से 3 बच्चों की मौत हुई, 5 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। अब इसे कौन जिम्मेदार, क्या इन तमाम सरकारी अफसरान पर कार्रवाई होगी, आखिर गलती कहां हुई है, उन वालिदैन पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने महज 14-20 महीने के बच्चों को सरकार की गलती की वजह से गंवाना पड़ा। आज स्कूलों में जबरदस्ती टीके लगवाए जा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी भी कौन लेगा। कई बच्चों को एलर्जी होती है, वैक्सीन के बाद कई बच्चों के वालिदैन ने शिकायत की है कि बच्चों की सेहत मुतासिर हो रही है, लिहाजा स्कूलों में किसी तरह की जोर जबरदस्ती ना करे ऐसा मुतालबा वालिदैन की तरफ से किया जा रहा है। अब सबसे बड़ी खबर, कर्नाटक में लॉकडाउन को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही है जो कि सरासर अफवाह, किसी तरह का लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। पर यह भी सच है कि रमजान महीना भी करीब हो सकता है, क्योंकि अब तक यही तजर्बा इससे पहले देखा गया है। लिहाजा बढ़ते मरीजों की तादाद, ओमिक्रॉन को कमजोर कहना और स्कूलों को इसके बाद बंद न करने का हुकूमतों की जानिब से ऐलान इतना तो जरूर जाहिर करता है कि हुकूमतें उलझन में हैं और लॉकडाउन अब इनके बस में ही नहीं है। ये और बात है कि आवाम आवाज उठाने के काबिल नहीं है, वैसे भी वीकेंड लॉकडाउन में लोग जुर्माने से डर से ही घरों में बैठे हुए, वरना तो अब भी मास्क लगाने में आवाम में कहीं पर भी दिलचस्पी नजर नहीं आ रही। एक और अहम बात यह भी है कि फिलहाल बेलगाम शहर और अतराफ में सर्दी कड़ाके की पड़ी हुई है। फिजा में नमी और शदीद सर्दी की वजह से तकरीबन घरों में नजला बुखार खांसी के मरीज पाए जा रहे हैं। जाहिर है इसे डॉक्टरों का तो मुनाफा ही हो रहा है, तो कुछ यहाँ पर भी मरीजों को डराकर अपना कारोबार चमकाने में कुछ डॉक्टर लगे हुए हैं। लिहाजा बहुत ज्यादा घबरा कर तवील कोरोना समझकर इलाज करवाने से बेहतर सोच समझकर फैसला ले। वैक्सीन को एक तरफ जबरन नहीं करवाने की बात कही जाती है, तो दूसरी तरफ इम्तिहानात में न बिठाए जाने की धमकी भी स्कूलों की जानिब से दी जा रही है। आखिर माजरा कभी कभी शक के दायरे में भी आ जाता है। आज मुल्क में 70% से भी ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, तो फिर आखिर इतना डरने की क्या जरूरत है। जो भी हो, लेकिन आने वाले दिनों में कोरोना मरीजों का ग्राफ तो बढ़ सकता है, पर लॉकडाउन करना इसलिए मुमकिन नहीं क्योंकि चुनाव है, और चुनाव जब सामने आ जाते हैं तो कोरोना भी डर कर भाग जाता है। कल संकेश्वर में शैलजा सुबेदार नामी खातून की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस तरह रिवॉल्वर से गोली मारकर कत्ल करने की वारदात से संकेश्वर में डर खौफ का माहौल देखा जा रहा है। वाजह रहे कि शैलजा सुबेदार तन्हा रहती थी, करीब कोई रिश्तेदार भी नहीं रहते थे। कत्ल की असल वजह का अब तक कोई पता नहीं चला है, पुलिस तहकीक जारी है। मिल्कियत या फिर किसी रुपयों की मामलात में कत्ल किए जाने का शक जाहिर किया जा रहा है। रामदुर्ग में टीके लगवाने के बाद हुए 3 बच्चों की मौत पर एमएलए सतीश जारकीहोली ने जो भी इसके लिए जिम्मेदार है इन पर कार्रवाई का मुतालबा किया गया। आज गोकाक हिल गार्डन में साफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि महज कुछ महीने के बच्चों के टीके से मौत होना बड़े ही अफसोसनाक है, जो भी इस गलती के जिम्मेदार है इन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। बेलगाम और दिगर जगहों पर कोरोना बढ़ रहा है, आवाम को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी समझे, ऐसा भी उन्होंने कहा।
गोवा चुनाव के लिए रियासत से कई कई जाएंगे, ऐसा भी इस वक्त उन्होंने बताया। सो मूर जना ಏನು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಕೆಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಅದು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗದಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈಗಾಗಿರುವಂಥ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಅವ್ರು ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ಲು ಲೈನಲ್ಲಿಂದ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಭಾಳ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮೇಗಿನ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗದಂಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೊ ಮುಂದೆ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕಂತ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಏಜ್ ವೈಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಹಳ್ಳಿ ಪಿ ಎಚ್ ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರುಬೆಲ್ಲ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 6 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 3 ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ 3 ಜನ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು 3 ಜನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಏನು ವರದಿ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಅದು ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳು ಇರ್ತಾವೆ, ಅದು ಯಾಕೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತನಿಖೆಯಿಂದನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ತನಿಖೆ ವರದಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ, 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬೈ ಟುಮಾರೋ ದೇ ಆರ್ ಸಬ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಎ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಆ ವರದಿ ಬಂದರೆ ಯಾರು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ. ನಿನ್ನೆ ಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಡಿಎಚ್ಒವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಗಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತೀವಿ. ವೈಸ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕಿ ಕೈಫಿಯತ್ ಸಿಯಾಸಿ ತೌರ್ ಪರ್ ಕಾಫಿ ನಾಜುಕ್ ಬನ್ ಚುಕಿ ಹೈ ಐಸಾ ಕಹಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ. ಎಂಎಲ್ಸಿ ಇಂತಖಾಬಾತ್ ಕೆ ಬಾದ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಿ ತವಜ್ಜೋ ಭಿ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕಿ ತರಫ್ ಸೆ ಘಟ್ತಿ ದಿಖಾಯಿ ದೇ ರಹಿ ಹೈ. ಕ್ಯೋಂಕಿ ಬಜಾಯ್ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಕೆ ಲಖನ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕಿ ಜೀತ್ ಕೆ ಪೀಚೆ ಭಿ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೋನೆ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಹಿ ಜಾ ರಹಿ ಥಿ. ಲಿಹಾಜಾ ಕಿಸಿ ತರಹ ವಜಾರತ್ ಹಾಸಿಲ್ ಹೋ ಇಸ್ಕಿ ಫಿಕ್ರ ಮೇ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನೆ ದೆಹಲಿ ದೌರಾ ಭಿ ಕಿಯಾ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ತಕ್ ವಜಾರತ್ ದೇನೆ ಕಾ ವಾದಾ ಭಿ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಥಾ ಐಸಾ ಕಹಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ. ಲೇಕಿನ್ ಕುಛ ಹಾತ್ ನಾ ಲಗನೆ ಸೆ ಅಬ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಲೀಡರೋ ಕೆ ಯಹಾಂ ವಜಾರತ್ ಕೋ ಲೇಕರ್ ಚಕ್ಕರ್ ಕಾಟನೆ ಕಿ ಖಬರ್ ಭಿ ಗಶ್ತ್ ಕರ್ ಗಯಾ. ದೂಸರಿ ತರಫ್ ಯೇ ಭಿ ಚರ್ಚಾ ಹೈ ಕೆ ಯುಪಿ ಮೇ ಜೋ ಯೋಗಿ ಹುಕುಮತ್ ಕೆ ಬುರೆ ದಿನ ಜಾರಿ ಹೋ ಚುಕೆ ಹೈ ಭಾಜಪಾ ಛೋಡ ಅಬ. ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇ ಕೈ ಲೀಡರೋ ನೆ ಶಮೂಲಿಯತ್ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಕಿ ಹೈ. ಕ್ಯಾ ಇಸಿ ನಹಜ್ ಪರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ ಭಿ ಭಾಜಪಾ ಸೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇ ದಾಖಲ್ ಹೋನೆ ಕಾ ಸಿಲ್ಸಿಲಾ ಶುರೂ ಹೋಗಾ ಔರ್ ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಫಿರ್ ಸೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಪಹಲ್ ಕರೆಂಗೆ ಐಸೆ ಭಿ ಇಮ್ಕಾನಾತ್ ಜಾಹಿರ್ ಕಿಯೇ ಜಾ ರಹೇ. ಅಬ ದೇಖನಾ ಜರೂರ್ ಹೈ ಕೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಫಿರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹುಕುಮತ್ ಕೋ ಬನಾನೆ ಮೇ ಕಿರ್ದಾರ್ ನಿಭಾತೆ ಹೈ. ಐಸಾ ಸವಾಲ್ ಭಿ ಅವಾಮ್ ಕಿ ಜಾನಿಬ್ ಸೆ ಕಿಯಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ. ಖಬರೋ ಕಾ ಸಿಲ್ಸಿಲಾ ಯೂ ಹೀ ಚಲ್ತಾ ರಹೇಗಾ. ದೇಖ್ತೆ ರಹಿ ಇತ್ತೆಹಾದ್ ನೂ. ಶುಕ್ರಿಯಾ. ಅಲ್ಲಾ ಹಾಫಿಜ್. ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಶಾಪ್ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ದಿವಸದಿಂದ. ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಿರ್ಲಸ್ಕರ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ ಓನರ್ ಇದು ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದು ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ವ್ಯಾಪಾರನೂ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷದಿಂದ. ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾಯಿದೆ. ಬರೋ ದಿನಗಳು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಮೀರಾ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ
व्यापार आगे अंत सदर्भ हार्ती। आज हम मीरा बैग्स बोलकर किलेश्वर रोड को दुकान ओपनिंग किया है, एकदम रिजनेबल रेट में और अच्छी क्वालिटी, और ये कोरोना का माहौल देखकर तो रिजनेबल रेट में दे रहे हैं। क्या स्कूल बैग्स रंदे, वैनिटी बैग्स रंदे, कॉलेज बैग्स, बाद में ट्रैवलिंग बैग्स, वॉट एवर ट्रैवलिंग आइटम्स जो है सो हम रिजनेबल रेट में। गुड इवनिंग बेलगाम, आज मीरा बैग्स करके हमारा शोरूम ओपन हुआ है किलोस्कर रोड बेलगाम में। तो हमारे यहाँ सब तरह की वैरायटीज मिलेगी आपको, सूटकेस, वैनिटी बैग, पर्स, बेल्ट, कैप्स, हैंड बैग्स, सभी कुछ मिलेगा, बेल्ट्स वगैरह रीजनेबल रेट में। कोरोना का माहौल देके हमने ज़्यादा रेट, कोई भी मामूली आदमी भी आके यहाँ से कुछ भी ले सकता है, ज़्यादा रेट नहीं है। 200 से लेके 2000 तक सब कुछ मिलेगा हमारे पास। ऐसे नहीं है कि एकदम शोरूम मतलब बड़ा ही रेट मिलेगा, कम से लेके सबसे अच्छे तक मिलेगा। ब्रांडेड भी मिलेगा, इम्पोर्टेड चीज़ मिलेगी, लोकल चीज़ मिलेगी, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह में। तो हम बेलगाम की जनता से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे शॉप पर एक बार आके विजिट कीजिए और देखिए।